थैंक यू जी। असल में मुझे भूलने की बहुत आदत है। मैं अक्सर दुकान पे जाता हूँ तो अपने सनग्लासेस भूल जाता हूँ, किसी के घर विजिट करता हूँ तो चाबियाँ भूल जाता हूँ। वैसे आप सितार बजाती हैं ना? आपको कैसे पता? कल ड्राइंग रूम में देखा था। किसी जमाने में बजाया करती थी। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? You're not so old. Well, I'm 41. 41 भी कोई एज होती है? इस उम्र में तो वेस्ट में खवातीन पहली शादी का इरादा करती हैं। जी अच्छा जी, वाह। मैं ज़्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर एक ज़रा प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल मैं यहाँ अपनी खाला के पास रुकता, लेकिन उन्हें अचानक किसी ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ गया है। तो अगर आप मुझे एक हफ्ता अपने पास पेइंग गेस्ट रख लें। नेवर माइंड, दरअसल मैं होटल में नहीं रुक सकता हूँ। अभी पिछले ही हफ्ते मेरा ऑपरेशन हुआ था और मेरी वालदा ने ख़ास ताकीद की थी कि मैं किसी होटल में ना ठहरूं। प्लीज़ आप मेरी किसी बात का माइंड नहीं कीजिएगा, मैं वैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्यों? मैं जब यहाँ आ रहा था आपको शुक्रिया अदा करने, तो मुझे पता था कि आप मुझसे मिलकर नाखुश होंगी। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सुनिए जी, मैंने आज तक किसी मर्द या औरत को अपने घर इनवाइट नहीं किया। जी आप यहाँ रह सकते हैं एक हफ्ता, लेकिन एक शर्त पे। जी जी, मैं हफ्ते भर बाद चला जाऊंगा, मेरी खाला आ जाएंगी, मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा। आप ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करेंगे और इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आप किसी होटल में ठहरे हों? जी जी, मुझे बिल्कुल मंजूर है। मेरा नाम नुमैर है और मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। रुबाब, मिसेज रुबाब कादर। महरदीन, सामान रखवाइए अपना। बेगम साहब, वो रात के खाने में क्या पकाऊं? उनसे पूछा था साहब, तो सुबह के नथिया गली गए। अच्छा, रात के खाना यही खाएंगे? बनाकर कमरे में रख दूंगा, खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो सुबह बर्तन उठा लूंगा। आपके लिए मुर्गी रोस्ट कर दूं? एक तो छुट्टी वाले दिन कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। तो ठीक है, मैं सूप बना देता हूँ, साथ में दो चार चांपे भी तल दूंगा। बड़ी रौनक हो गई है साहब के आने से। मेरे दिल, मुझे कॉफी ला दो एक। ठीक है, अभी लाता। वो बेगम साहब, ये दफ्तर से चपरासी आया था, ताक देखे। अच्छा, I'm sorry, मुझे देर हो गई। मैं अभी अभी नथिया गली से अपनी कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आज ही अपनी खाला के घर शिफ्ट हो जाऊं।
इतनी जल्दी? मेरा ख्याल है कि मैंने शर्त पूरी की आपकी, मैंने ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की। वैसे आपकी शर्त से मुझ पर, मेरा मतलब है मेरी तबीयत बड़ा बोझ सा है। आपकी खाला आ गई? आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। मुझे तो आपकी जिंदगी को देख के कुछ खौफ सा होने लगा है। आपने तो रोशनी की हर किरण बंद कर ली है अपने ऊपर। आप इतनी शदीद तन्हाई में क्यों रहती हैं? उम्मीद है महरदीन ने आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया होगा। महरदीन ने तो नहीं, लेकिन आपसे शिकायत है मुझे। क्या? आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं आपके माजी के मुतालिक मुतजस्सिस नहीं हूँ, लेकिन माजी के तजुर्बात की वजह से किसी के ऊपर एतबार ना करना बुजदिली है। माफ कीजिएगा। तो आज शाम आप चले जाएंगे? इंशाल्लाह। आपके आने से 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, आपके वाले बेडरूम में मेरे शौहर रहा करते थे। आपके शौहर अब कहाँ हैं? उन दिनों हम नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, लेकिन हम सिर्फ 7 दिन इकट्ठे रहे। कुछ और लोग भी थे हमारे साथ। बताइए बताइए। क्या बोलूं? बस रुबाब, मेरा मतलब है बेगम कादिर। अगर आप, मैं फिर कहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आज का दिन आप मेरे साथ गुजारें। मैं इतने अरसे से यहाँ रह रहा हूँ और हमने कभी साथ खाना नहीं खाया, इकट्ठा चाय नहीं पी, बस इस वक्त से रात तक। और वैसे भी मैं किसी को यूं लोनली जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से कुछ घंटे भी किसी को नहीं दे सकते। यानी? यानी हर चीज का सदका दिया जाता है। मेरा मतलब है सदके के तौर पे कुछ वक्त, राहे मौला कुछ घंटे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और अगर आपकी खाला ना आई हो तो आप वापस आ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए शुक्रिया। अब इस तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। रुबाब, देखिए मैं जा रहा हूँ और ज्यादा फ्री भी नहीं होना चाहता, लेकिन आप ये सिया लिबास ना पहना करें, इसमें मुझे जिंदगी की तौहीन नजर आती है। काला रंग मुझे पसंद है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? काला रंग मायूसी का रंग है। मुझे वैसे भी 0 वाट के बल्ब जहर लगते हैं। 0 वाट के बल्ब ना रात को दिन में तब्दील कर सकते हैं और ना रात को रात रहने देते हैं। और स्या रंग पहनने वाले भी 0 वाट के बल्ब होते हैं। भला दिन और रात में क्या फर्क है नुमैर? आप मुझसे दिन और रात का फर्क पूछती हैं तो फर्क सिर्फ कैफियत का है, रोशनी और अंधेरे का नहीं।
रात घटती है तो दिन पढ़ता है, दिन उम्मीद है तो रात मायूसी है। हर जानदार, तकरीबन हर जानदार दिन से मोहब्बत करता है, रोशनी से मोहब्बत करता है। अच्छा, खुदा हाफिज। रात बड़ी सतरपोश होती है नुमैर, कब्र की तरह हर चीज को छुपा लेती है, आंसुओं को, गुनाहों को। वो दिन की तरह नंगी हकीकतों को बेनकाब नहीं करती। रात बड़ी पर्दापोश है। बस आप ये स्याह आत्मी लिबास ना पहना करें, काला रंग सब रंगों की नफी करता है। स्याह रंग इसरार का रंग है, मिस्ट्री और तकद्दस का रंग।